एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मेरे एक मित्र हैं जो हर परिस्थिति को मेरे सामने इस प्रकार रखते हैं कि जिससे ये साबित हो जाए कि मेरे अंदर कुछ कमी है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस बुरी तरीके से हिल जाता है। मैं क्या करूं? 1938 में एक ब्रिटिश प्लेराइट था जिसका नाम था पैट्रिक हैमिल्टन। उसने एक प्ले लिखा था, उस प्ले का नाम था गैस लाइट, और ये प्ले लंदन में थिएटराइज हुआ था। इस प्ले की जो हीरोइन है या जो प्रोटैगनिस्ट है, उसका नाम है बेला। उसकी मैरिज एक आदमी से होती है जिसका नाम है जैक। जैक एक क्रिमिनल है और वो बेला को जो है इस तरीके से टॉर्चर करता है और इस तरीके से उसके सामने सिचुएशन को प्रेजेंट करता है हमेशा, जिससे कि बेला धीरे धीरे ये कन्विंस होती जाए कि वो उसके अंदर कुछ कमी है, वो पागल है। बाद में एक पुलिस ऑफिसर होता है, वो बेला से मिलता है जो कि जैक को ही ढूंढ रहा होता है। तो वो पुलिस ऑफिसर बेला के सामने पिक्चर क्लियर करने की कोशिश करता है। तब बेला को ये समझ में आता है कि ये आदमी किस तरीके से उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, और फाइनली बेला जो है जैक को पकड़वा देती है। और जैक को पकड़वाते वक्त वो ये बताती है कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है जैक को क्यों पकड़वाया, क्योंकि वो तो पागल है, वो तो पागल हो चुकी है। जैक ने खुद ही उसको साबित कर दिया था कि वो पागल हो चुकी है। तो इस प्रकार वो जैक से अपना बदला लेती है। तो ये जो प्ले है, ये बड़ा फेमस प्ले है। इसका जो ये टाइटल है गैस लाइट, ये बड़ा फेमस है और ये इसी तरीके के लोगों को प्रेजेंट करता है जो कि दूसरे को कन्विंस करते हैं कि उनके अंदर कुछ कमी है। हर परिस्थिति को इस तरीके से रखते हैं उसके दूसरे के सामने, जैसे कि वो कन्विंस हो जाए कि उसके अंदर कुछ कमी है, मानसिक रूप से कुछ कमी है, उसका कॉन्फिडेंस हिल जाए। एक्चुअली ये एक टेक्निक है जिसके तहत वो दूसरे लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो आपके ये जो मित्र हैं, ये भी आपकी गैस लाइटिंग कर रहे हैं, यानी आपको इसी तरीके से वो आपके कॉन्फिडेंस को हिला रहे हैं ताकि वो आपको कंट्रोल कर सकें। तो इस तरीके के जो गैस लाइटर्स होते हैं, ये एक्चुअली लो स्टीम के इंडिविजुअल्स होते हैं। इनके अंदर कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। इंट्रिंसिक क्षमता ही इनके अंदर नहीं होती है बदलाव ला पाने की। इसी वजह से इनके अंदर इतनी लो सेल्फ स्टीम होती है, और लो सेल्फ स्टीम होने की वजह से ये बड़ा भारी ईगो रखते हैं ताकि ये अपनी लो स्टीम को छुपा सकें। और ये अपना ईगो भी छुपा करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये ईगो छुपा करके नहीं रखेंगे तो ये दूसरे अपने टारगेट्स को जो है उनके साथ एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे, धोखा नहीं दे पाएंगे। तो ये अपना ईगो भी अंदर से कंसील करके रखते हैं, बड़ा कोवर्ट ईगोइस्ट ईगोइस्ट होते हैं ये लोग। तो इनके अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता है। इनफैक्ट एक ब्रह्म ज्ञानी का ठीक उल्टा ये लोग होते, आलिम का ठीक उल्टा, आलिम का अगर कोई ठीक उल्टा है तो ये जाहिल आलिम का ठीक उल्टा है। तो ये वही जाहिल लोग हैं, ये बदल नहीं सकते कभी। इनके अंदर बदलने की इंट्रिंसिक इनएबिलिटी होती है, तो बड़ी दयनीय स्थिति होती है। तो ये अपने ईगो से दूसरे को कंट्रोल करने की दूसरे को कंट्रोल करना इनकी मजबूरी होती है अपने ईगो को बचाए रखने के लिए, जिससे कि ये अपनी लो सेल्फ स्टीम को छुपा सके। तो आपको पहली बात तो इस तरीके के लोगों से बहुत सतर्क रहना है, और मैं तो आपको ये रेकमेंड करूंगा कि अगर संभव हो तो आप इस व्यक्ति का साथ छोड़ दें, क्योंकि ये खतरनाक है। अगर मान लीजिए कि परिस्थिति ऐसी है कि साथ नहीं छोड़ना है, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखिए। नंबर वन, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मजबूती से अपनी जमीन को पर पैर रखिए, हैं, होल्ड योर ग्राउंड। मजबूती से अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना अपने ऊपर भरोसा टूटने मत दीजिए, और जो आपको ठीक लगता है आप बस वो कीजिए। इससे आप परेशान ना होइए कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या कहता है। आपको जो पसंद आता है आप बस वो करिए, आपको जो ठीक लगता है वो करिए। तो नंबर चीज नंबर वन, पहली बात तो ये कि जो आपको पसंद आता है वो आप करिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। अपने परसेप्शन के ऊपर आप कॉन्फिडेंस रखिए, और जो आपको ठीक लगता है वो आप करिए। दूसरी चीज आपको जो करनी है वो ये कि आपको अपने अंदर एक कन्विक्शन पैदा करनी है, और वो कन्विक्शन ये है कि खुद के द्वारा कोई गलत निर्णय या कोई गलती भी दूसरे की उधार ली हुई अकल से ज्यादा अच्छी है। क्योंकि
अगर आप कोई गलती भी करते हैं तो कम से कम आप उस गलती को कर रहे हैं तो आप ये रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मेरी गलती हुई, उससे आपको सीख रहे हैं, जिससे आपका मानसिक विकास हो रहा है। तो गलती को कभी आप लेकर के शर्मिंदा ना हो, गलती को लेकर के कभी आप गिल्ट ना फील करें, क्योंकि गलती आप जब भी करते हैं तो उससे आपको कुछ सीखने को मिलता है। तो आप कभी ये ना सोचें कि आप गलती से बचने के लिए दूसरे की बुद्धि उधार लेकर के, अपने मित्र की बुद्धि उधार लेकर के अपना काम चलाएं। नहीं, आप अपनी बुद्धि से करिए, गलती हो रही है अगर तो आप होने दीजिए। तो इसलिए आप कभी भी ये चिंता मत करिए कि आपसे कोई गलती हो गई तो क्या होगा। तो आप ये कन्विक्शन पैदा कीजिए कि अपनी बुद्धि से की गई गलती बेहतर है उधार की बुद्धि से किया गया सही काम। सही काम से बेहतर है। आप गलती कर रहे हैं, अपनी बुद्धि से गलती कर रहे हैं, आप सीखेंगे। उधार की बुद्धि ना लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि सीखने का अवसर भी वो छीन लेता है आपसे। तो दूसरी चीज ये। तीसरी चीज जो आपके लिए जरूरी है वो ये है कि पोलाइटली अपने मित्र को बिना विक्टिम आइडेंटिटी रखे हुए, पोलाइटली तारीफ करते हुए या कॉम्प्लीमेंट देते हुए उसकी निगाह में ये बात लाइए कि आप उसकी असलियत जानते हैं, कि वो कैसे आपके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। आप उसके सामने ये बताइए आप उसको कि देखिए ये हम समझते हैं कि आप ये ऐसा क्यों करते हो, ये हमारा कॉन्फिडेंस ब्रेक करने के लिए करते हो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाओगे। आप इस तरीके से बात को करिए, पोलाइटली हंसते हुए करिए। तो जब वो ये जान जाएगा कि आप उसकी टेक्निक को समझ गए हैं पूरी तरीके से, तो फिर वो आप इस टेक्निक को आपके ऊपर लागू करना बंद कर देगा। तो इस प्रकार इन तीन चीजों का ध्यान रख करके आप अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस को बचा सकते हैं। और अगर संभव हो तो इस प्रकार के व्यक्ति से दूरी बना लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है।